हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रश्न 9.3 का सवाल नंबर 3 से शुरुआत करने जा रहा हूं या आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चों देखो, उसमें लिखा है दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसके सबसे पहले अपन एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे समझने के लिए। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। ये हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों। अब इसके दोनों विकर्ण हम खींचेंगे, एक विकर्ण एसी और एक विकर्ण हमने बीडी खींच दिया। दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दिया है, हम क्या लिखेंगे? दिया है, हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, राइट? दिया है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है? अब देखिए बच्चों, हमें लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखो, ये एक तो एओबी, दूसरा बीओसी, तीसरा सीओडी और चौथा एओडी, ये 4 त्रिभुज हो गए और चारों का ही क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? ए आर एओबी बराबर ए आर बीओसी बराबर ए आर यानी एरिया ऑफ सीओडी बराबर एरिया ऑफ BOA, एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ COD बराबर एरिया ऑफ DOA, यानी इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। अब हम बच्चों लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखो कहां से शुरुआत करेंगे हम बच्चों। ये O किसका मध्य बिंदु है? विकर्ण AC का भी है, BD का भी है। तो आप AC के लिखो, यहां से लिखो, लिखेंगे बिंदु O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है।
ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में देखो इस त्रिभुज ए बी सी की भुज ऐसी बन गई है, इसका मध्य बिंदु क्या है ओ को शीर्ष बीसी में जाने पर ओ बी क्या बन गई मध्य का, इसलिए ओ बी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। राइट, देखो बच्चों त्रिभुज ए बी सी में ये ओबी माध्यिका है और ओबी माध्यिका हमेशा क्या करती है, हमेशा त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब एरिया ऑफ एओबी बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ बीओसी, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए एरिया ऑफ एओबी बराबर एरिया ऑफ बीओसी, और यह हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया एक। इसी प्रकार देखो बच्चों का ध्यान देना, हमारे पास एक त्रिभुज है बीसीडी, ठीक है अच्छे से समझना। इसी प्रकार त्रिभुज बीसीडी में, अब देखो बीसीडी हमारे पास ये पहले हमने एबीसी त्रिभुज लिया, अब लेकिन बीसीडी है तो ये ओसी माध्यिका हुई, बीसीडी में ओसी एक माध्यिका है। राइट, त्रिभुज बीसीडी में हमारे पास में ये ओसी क्या बन गई एक माध्यिका है, इसलिए ध्यान देना माध्यिका ओसी त्रिभुज बीसीडी को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। विभाजित करती है तो देखो बच्चों त्रिभुज बीसीडी में क्योंकि ये ओतो एसी का मध्य बिंदु है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ओसी क्या हो गई बीसीडी त्रिभुज की माध्यिका हो गई, और ये ओसी माध्यिका क्या करेगी इस बीसीडी त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, अर्थात एरिया ऑफ बीओसी बराबर एरिया ऑफ सीओडी, इसलिए एरिया ऑफ बीओसी बराबर एरिया ऑफ सीओडी, और ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी प्राप्त हो गई दो प्राप्त हो गई बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास तीसरा त्रिभुज लेंगे हम सी, देखो पहला ए ओ ये एबीसी लिया, दूसरा हमने बीसीडी लिया, अब तीसरा कौन सा लेंगे हम ये एसीडी लेंगे, ऐसे ये एसीडी इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में माध्यिका कौन सी होगी हमारे पास बच्चों ओडी हो गई, ये ओडी माध्यिका
लिखा ओडी त्रिभुज एसीडी को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। राइट बच्चों, ये ओडी माध्यिका त्रिभुज एसीडी को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करेगी। एक तो जगह कौन सा सीओडी, एक हो जाएगा डीओए। इन दोनों का ही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, इसलिए एरिया ऑफ सीओडी बराबर एरिया ऑफ डीओए, डीओए। और ये हमारी समीकरण नंबर मानेंगे बच्चों तीन। राइट, तो हमको तीन समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों। हमको क्या लाना था? एओबी ये रहा, बीओसी ये रहा, सीओडी ये रहा और डीओए ये रहा। तीनों समीकरण चारों प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण तीनों से तुलना करेंगे। हम अच्छे से समझना, हमने यहां पे तीन समीकरण प्राप्त कर लिए बच्चों। अब तीनों से करेंगे, देखो ध्यान से। समीकरण एक दो व तीन को हल करने पर देखो बच्चों ध्यान से अच्छे से समझना, एक में एओबी और बीओसी दोनों का क्षेत्र बराबर है, और दो में देखो ये बीओसी यहां भी है, यहां भी आ गया। ये बीओसी किसके बराबर है? सीओडी के। और तीन में देखो ये सीओडी यहां आ गया, सीओडी किसके बराबर है? डीओ के। तो एओबी किसके बराबर है? बीओसी के। और ये बीओसी किसके बराबर है? सीओडी के। और ये सीओडी किसके बराबर है? डीओ के। तो सभी एक दो तीन से ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको बच्चों बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण एक दो व तीन को हल करने पर देखो बच्चों क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ एओबी बराबर एरिया ऑफ बीओसी। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये भी लिख दिया हमने नंबर एक में। अब देखो नंबर दो में क्या है? ये बीओसी किसके बराबर? सीओडी के। ये रहा बीओसी, ये बीओसी आ गया, ये बीओसी किसके बराबर? सीओडी के। तो बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ सीओडी। ठीक है, अब देखिए सीओडी यहां फिर आ गया, तो ये सीओडी यहां आ गया, तो ये सीओडी किसके बराबर है? यहां पे डीओए के बराबर एरिया ऑफ डीओए। चारों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? इससे सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों से बराबर क्षेत्र वाले चार त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। बराबर क्षेत्र वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं।
देखो चारों त्रिभुजों का क्षेत्र बराबर आ गया और ये तो हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम, यानी हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। तो बच्चों ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से नहीं प्रमेय आपको समझाइए कि दरअसल ये समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण से बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांट दें। ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी, बड़ी सरल भाषा में लिखिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, मैं आपको इसके बाद अगला सवाल नंबर 4 सिखा रहा हूं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में एबीसी व एबीडी एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज हैं। देखो बच्चों हमारे पास ये ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार एबी पर बने, एबी आधार इस त्रिभुज का भी है ऊपर वाले का और एबी आधार इस नीचे वाले त्रिभुज एबीडी का भी है। रेखाखंड सीडी, ये रेखाखंड सीडी है, सीडी क्या कर रहा है, एबी से बिंदु ओ पर, इस एबी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है, यानी ये सीडी और एबी जहां ओ बिंदु पर मिलते हैं तो ये क्या हो रहा है कि ये सीडी समद्विभाजित हो रहा है, यानी ओसी बराबर क्या हो रहा है ओडी, ओसी बराबर क्या हो रहा है ओडी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ सीडी का मध्य बिंदु हुआ, राइट। हमें दर्शाना है एरिया ऑफ एबीसी, यानी इस एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ एबीडी, इस एबीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ऊपर वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या लिखने देखो दिया है, ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी एक ही आधार बीडी पर बने हैं, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, तथा ओसी बराबर ओडी, क्यों कि ये सीडी क्या हो रहा है समद्विभाजित हो रहा है ओ बिंदु पर, यानी आधा ऊपर आधा नीचे हो रहा है। सिद्ध करना हमको, ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीडी, ये हमको सिद्ध करना है। ऊपर वाला नीचे वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्र क्या होगा बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे, ये ओ किसका मध्य बिंदु बच्चों, सीडी का, क्योंकि ओ सीडी का मध्य बिंदु है बच्चों, इसलिए त्रिभुज कौन सा क्या हमारा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखो इस भुजा सी डी का मध्य बिंदु है और इस भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष ए सी मिला दिया, तो ये ओ ए क्या हो गई माध्यिका हो गई, इसलिए एसी डी में त्रिभुज एसी डी में ए ओ एक माध्यिका है। और हम जानते हैं त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है या बांटती है, ठीक है। इसलिए देखो तुम एसीडी में या ओए माध्यिका क्या करेगी, एक इधर त्रिभुज कौन सा गया एओसी, एक इधर कौन सा गया एओडी, ये दोनों का क्षेत्र बराबर हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ एओसी बराबर एरिया ऑफ बीओसी, सॉरी एओडी
एरिया ऑफ AOC और एरिया ऑफ AOD, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दो बच्चों, ये त्रिभुज कौन सा बना, ये त्रिभुज है BCD, तो इसमें क्या OB मार्जिन का होगी। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में माध्यिका कौन सी बन गई बच्चों, OB। त्रिभुज BCD को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, राइट। त्रिभुज BCD में बच्चों ये O क्या है, CD का मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को BC मिला दिया, OB माध्यिका हो गई। इधर वाले में OA माध्यिका और इधर वाले में OB माध्यिका हो गई, और माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है बच्चों। इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, इसलिए एरिया ऑफ, ध्यान देना, ये BOC बराबर एरिया ऑफ BOD, ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। अब हम क्या कर लेंगे, देखो एक में क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, दूसरे समीकरण में ये दोनों बराबर हो गए, हमें क्या लाना था, ABC कब आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर, और ये ABD कब आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर ABC आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ABD आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1+2 से समीकरण 1+2 से, इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे हम। अब 1 में इधर क्या लिखा है, एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ AOC प्लस 2 में इधर क्या लिखा, एरिया ऑफ BOC, हाँ BOC बराबर। अब देखो फिर 1 में इधर क्या लिखा, एरिया ऑफ AOD, और 2 में क्या लिखा, एरिया ऑफ BOD, एरिया ऑफ BOD। तो सही 1 और 2 को हमने जोड़ लिया, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड भी जोड़ दिया, और राइट साइड वाले हमने राइट, हो रहा है AOC में जोड़ेंगे BOC, AOC में जोड़ेंगे BOC, तो पूरा क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ABC बराबर, अब देखो AOD में जोड़ दिया BOD, AOD में जोड़ दिया ये BOD, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ABD बन जाएगा। एरिया ऑफ ABD, और बच्चों देखो हमको यही तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, राइट। तो मैं आशा कर सकता हूं बच्चों कि आज आपको बताए गए ये दोनों सवाल प्रस्तरीय 9.3 के सवाल नंबर 3 और 4 बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, बड़ी सरल भाषा में ये दोनों सवाल आपको समझाए। आप इन दोनों सवालों को अपनी नोट में उतारना और इन सवालों की प्रैक्टिस करना आप। इसके बाद बच्चों में आगे के सवाल कल नए वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।